नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ अपने चैनल हेल्थ केयर पर एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सभी आदमी जानते हैं कि जब भी मैं अपने चैनल पर आता हूँ, कोई न कोई हेल्थ बेनिफिट से जुड़ी हुई बातें लेके आता हूँ, नया जानकारी लेके आता हूँ और हेल्थ से जुड़ी हुई टॉपिक होता है उसमें मैं कभी मेडिसिन को लेकर आता हूँ, कभी फूड मटेरियल्स को लेकर आता हूँ और कभी इक्विपमेंट को लेकर आता हूँ। आज मैं इस सीरीज में जो टॉपिक को लाया हूँ, ये टॉपिक मेडिसिन से बिलोंग करता है और मेडिसिन के संबंधित जानकारी आज मैं देने का प्रयास करूंगा। तो सर्वप्रथम बता दूं कि आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ, ये मेडिसिन है टैक्सिमो। टैक्सिमो सिरप के नाम से ये मार्केट में इजिली अवेलेबल है, आपके नियरेस्ट मेडिकल शॉप में कहीं भी मिल जाता है, इजिली मिल जाता है। इसका उपयोग आप क्या उपयोग है, क्या इससे हमको फायदा हो सकता है, क्या बेनिफिट मिल सकता है और क्या डोजेस लेना चाहिए, क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास करूंगा। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं, ये टैक्सिमो जो अभी दिख रहा है मेरे हाथ में आपको, टैक्सिमो सिरप, ये टैक्सिमो सिरप जो है सो इसका कंपोजिशन क्या है, तो ये जो है सो सिफेक्सिम ओरल सस्पेंशन है, सिफेक्सिम्स ग्रुप से बिलोंग करता है, जो कि एंटी बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया गया डिजीज को, बीमारियों को ये कंट्रोल में करने का कार्य करता है। बैक्टीरिया द्वारा जो बीमारी फैलाया जाता है उसको बैक्टीरियल डिजीज बोलते हैं और उसी को कंट्रोल करने का कार्य जो है ये मेडिसिन टैक्सिमो करता है। तो इसका मुख्य उपयोग किन किन चीजों में हम कर सकते हैं, तब गला संबंधित अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप इस टैक्सिमो सिरप का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए सिरप जब भी आता है और ओरल सस्पेंशन करके हो, ड्राई सिरप करके हो, इस टाइप से जब सिरप आता है तो ये बच्चों के लिए मुख्य रूप से बन करके आता है, तो ये बच्चों के लिए ही है जिसकी उम्र 6 मंथ से लेकर के 5 से 6 साल तक आप इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि इसका उपयोग आपको गले संबंधित कोई प्रॉब्लम है उसमें किया जाता है, या आपके कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर मैं तीसरी बात करूं, आपकी नोज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आईज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ निमोनिया जैसे प्रॉब्लम्स, बैक्टीरियल डिजीज के कारण बैक्टीरिया द्वारा फैलाया गया बीमारियों जो निमोनिया होता है, वो चेस्ट में कफ की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट करता है, उसे भी कंट्रोल करने का कार्य ये टैक्सिमो सिरप करता है। तो इस प्रकार से कई कामों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे टाइफाइड, सामान्य टाइफाइड में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है कि बुखार रेगुलर आना, छूट जाना और पुनः लौट जाना बुखार को, उसी को टाइफाइड, उससे जब टेस्ट होता है तो उस टेस्ट के विडाल टेस्ट के माध्यम से टाइफाइड का जानकारी होता है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए भी इस सिरप का उपयोग सामान्य टाइफाइड में किया जाता है। तो ढेर सारी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है और इससे स्किन डिजीज जैसे प्रॉब्लम से भी छुटकारा पाया जा सकता है, घाव वगैरह में भी इसे सुखाने का कार्य ये टैक्सिमो सिरप करता है। मैंने इसका उपयोग जान लिया। डोजेज के लिए आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से जरूर संपर्क करें और संपर्क करके ही इस मेडिसिन को चलाएं, तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप उठा सकते हैं। ऐसे आपका बच्चा अगर 1 साल का है तो 1.5 ml तक दे सकते हैं, 1 से 2 के बीच में है तो 2 से 2.5 ml तक दे सकते हैं। इसे BD या TDS में चलाया जा सकता है, 2 या 3 टाइम आप इसको दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये डोजेज होती है और डोजेस के लिए आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करें और तभी इसका डोज ले, तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है। इसके अलावा मैं अगर इसका साइड इफेक्ट का बात करूं तो डायरिया जैसे अगर प्रॉब्लम्स हो, पेट दर्द जैसे प्रॉब्लम्स अगर आपके बच्चा में पाया जाता है तो उस कंडीशन में आप इसे तुरंत रोकें और अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करें, चाहे स्किन डिजीज जो पहले से नहीं है और इसे लेने के बाद अगर नजर आ रहा है कुछ स्किन पे अलग टाइप का धब्बा चकेता वगैरह निकल जाता है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हो तो आप इसे लेना रोक दे और अपने बच्चों को देना रोक दे और अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करें। तो यही सब खासियत है इस दवा का और इसको लेकर के आप ढेर सारा बीमारियों से छुटकारा पा सकता है आपका बच्चा, तो इसीलिए इसका उपयोग करें। और अभी तक मेरा वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जानकारी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए।